नमः शिवाय। आइए भक्तों, आज हम सावन सोमवार की महिमा के बारे में सुनते हैं। ध्यान से सुनो। सावन सोमवार की गाथा सुनो लगा कर ध्यान। सावन सोमवार की गाथा सुनो लगा कर ध्यान। शिव गौरा के पूजन से ही होता है कल्याण। शिव गौरा के पूजन से ही होता है कल्याण। सावन सोमवार की गाथा सुनो लगा कर ध्यान। सावन सोमवार की गाथा सुनो लगा कर ध्यान। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। शिव शंकर के प्यारे भक्तजनों, आज आपको मैं सावन सोमवार व्रत की कथा सुनाता हूं। इसे श्रद्धा पूर्वक सुनने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। एक शहर में साहूकार था, पति पत्नी संग रहता था। धन संपत्ति भरा पड़ा था, दान पुण्य वह करता था। सांझ सवेरे मंदिर जाकर शिव का पूजन करते थे। श्रद्धा और विश्वास से दोनों यज्ञ हवन नित करते थे। ब्राह्मण जन को भोजन देकर हृदय खुशी से भरते थे। भगवान की भक्ति करता वह सत्य मार्ग पर चलते थे। उसका वंश चलाने वाला कुल का दीपक कोई नहीं। समय चक्र चलता ही जाए, आधा उम्र है बीत गई। चिंता छाई रहती उनको नहीं कोई संतान। शिव गौरा के पूजन से ही होता है कल्याण। शिव गौरा के पूजन से ही होता है कल्याण। सावन सोमवार की गाथा सुनो लगा कर ध्यान। सावन सोमवार की गाथा सुनो लगा कर ध्यान। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। भक्तों, फिर माता पार्वती भगवान भोलेनाथ जी से कहती है, प्रभु आपके भक्त साहूकार का वंश चलाने के लिए तो कोई नहीं है, आप उसको एक संतान क्यों नहीं दे देते। सुन लो गौरा, ध्यान लगा कर, कर्म क्षेत्र संसार है, उसके भाग्य में पुत्र प्राप्ति का नहीं कोई आधार है। कुछ करनी कुछ कर्म गति और कुछ पूर्वज के भाग है। साहूकार के भाग्य में कोई पुत्र प्राप्ति नहीं आज है। गौरा रानी आग्रह करती तुम तो दीन दयालु हो, साहूकार को बेटा दे दो तुम तो बड़े कृपालु हो। एवमस्तु कह दी शंकर जी, पुत्र सेठ जी पाएगा। 12 वर्ष जिएगा बालक, फिर वो तो मर जाएगा। साहूकार सारी बातों को सुना लगा कर काम। शिव गौरा के पूजन से ही होता है कल्याण। शिव गौरा के पूजन से ही होता है कल्याण। सावन सोमवार की गाथा सुनो लगा कर ध्यान। सावन सोमवार की गाथा सुनो लगा कर ध्यान। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय।
जय भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से साहूकार को सुंदर बालक तो प्राप्त होगी ही, पर वो बालक सिर्फ 12 वर्ष तक जिएगा। यह जानकर साहूकार निराश हो गया और उसके बाद देखिए कि आगे क्या होता है। पहले जैसा सेठ सेठानी शिव पूजन का करता था, राज जान कर साहूकार को चिंता छाए रहता था। साहूकार के पत्नी की अब सुने कोख भर जाते हैं, समय चक्र के चलते चलते 10वां माह लग जाते हैं। तभी पुत्र को जन्म दिया, खुशियों से सब हर्षाते हैं। युग युग जिए ललना तेरा, सब आशीष दे जाते हैं। पुत्र की आयु जान सेठ को चिंता के बादल छाए, मन की बातें मन में रखा नहीं किसी को बतलाए। समय बीतता जाए देखो समय बड़ा बलवान, शिव गौरा के पूजन से ही होता है कल्याण। शिव गौरा के पूजन से ही होता है कल्याण। सावन सोमवार की गाथा सुनो लगा कर ध्यान, सावन सोमवार की गाथा सुनो लगा कर ध्यान। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भक्त जनों, यज्ञ पूजन करते करते समय बीतता चला गया और वह बालक 11 साल का हो गया। और तब साहूकार क्या करते हैं आगे सुनिए। सेठानी जी कहे सेठ से व्याह पुत्र का करना है, कहा सेठ ने नहीं सेठानी बेटा को अभी पढ़ना है। साहूकार अपने बेटे के मामा को है बुलवाया, पढ़ने जाना है काशी में मामा को यह बतलाया। साहूकार अपने साले को आदर पूर्वक कहता है, जहाँ जहाँ विश्राम करोगे यज्ञ हवन तुम्हें करना है। जाते हैं काशी को दोनों मामा भांजा धन लेकर, यज्ञ हवन करते जाते हैं ब्राह्मण को भोजन देकर। मनोकामना पूर्ण करना हे मेरे भगवान, शिव गौरा के पूजन से ही होता है कल्याण। शिव गौरा के पूजन से ही होता है कल्याण। सावन सोमवार की गाथा सुनो लगा कर ध्यान, सावन सोमवार की गाथा सुनो लगा कर ध्यान। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। और भक्त जनों, मामा भांजा दोनों ही यज्ञ हवन करते हुए एक बहुत बड़े शहर में पहुंचते हैं, जहां राजा अपनी पुत्री की विवाह की तैयारी कर रहा था। उस शहर में दोनों मामा भांजा पहुंचे और यज्ञ कर रहे थे, फिर देखिए क्या होता है। राजा राजकुमारी जी का सुंदर ब्याह रचाया था, उस राजा के यहाँ बराती बहुत दूर से आया था। दूल्हा बनकर आया था वह एक आँख का काना था, किसी तरह दूल्हे के संग में दुल्हन को ले जाना था। दूल्हे के पिता ने देखा लड़का सुंदर गोरा सा, लड़का बहुत ही सुंदर है जागा उसकी आशा। दूल्हे के पिता
पिता ने सुंदर हाथ जोड़ कर विनय किया। अपना हाल बताया उसने फिर मामा से बात किया। मेरा काम बना दो भैया तुम्हें करूं धनवान। शिव गौरा के पूजन से ही होता है कल्याण। शिव गौरा के पूजन से ही होता है कल्याण। सावन सोमवार की गाथा सुनो लगा कर ध्यान। सावन सोमवार की गाथा सुनो लगा कर ध्यान। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। और भक्त जनों, दूल्हे के पिता ने मामा भांजे से कहा कि मेरा बेटा जो है वह एक आंख का काना है और हमें किसी तरह उसकी दुल्हन को अपने साथ ले जाना है। आप कुछ समय के लिए दूल्हा बनकर मेरी मदद कर दीजिए। आइए सुनते हैं। दूल्हा बना सेठ का लड़का मोर मुकुट वह साजे है। घोड़ी चढ़कर पहुंच गया वह ढोलक शहनाई बाजे है। राजकुमारी ने दूल्हे को हार गला में है डाला। दूल्हे ने फिर राजकुमारी को पहनाया वरमाला। वर के पिताजी लगे सोचने अब आगे की तैयारी। अब तुम मेरे काम करो जी इसी तरह बारी बारी। मामा भांजा राजी होकर फूले नहीं समाते हैं। राजकुमारी संग में दूल्हा फेरा साथ लगाते हैं। अब विवाह संपन्न हो गया होवे कन्यादान। शिव गौरा के पूजन से ही होता है कल्याण। शिव गौरा के पूजन से ही होता है कल्याण। सावन सोमवार की गाथा सुनो लगा कर ध्यान। सावन सोमवार की गाथा सुनो लगा कर ध्यान। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। भक्त जनों, विवाह मंडप में बैठे बैठे चुपके से सेठ का लड़का दूल्हा ने राजकुमारी को सत्य बात से अवगत कराने की कोशिश की और उसके चुनरी में वो लिखकर काशी पढ़ने के लिए चले गए। तो आइए सुनते हैं। राजकुमारी मुझे माफ कर सत्य बात बतलाता हूँ। पढ़ना लिखना मुझे जरूरी मैं काशी को जाता हूँ। मात पिता तुमको भेजेंगे जरूरी तुम्हें बताना है। लेने आएंगे वो दूल्हा एक आंख का काना है। दूल्हा के आने से पहले राजकुमारी देख लिया। जब आया दूल्हा चौखट पे वापस उसको भेज दिया। मेरा पति काशी में रहता जिससे मेरा ब्याह हुआ। उनके ही हाथों ने मेरे माथे पर है सिंदूर भरा। मुँह काला कर वापस हो जा ऐ मूरख नादान। शिव गौरा के पूजन से ही होता है कल्याण। शिव गौरा के पूजन से ही होता है कल्याण। सावन सोमवार की गाथा सुनो लगा कर ध्यान। सावन सोमवार की गाथा सुनो लगा कर ध्यान। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय।
और भक्त जनों मामा भांजा काशी पहुंच गए और वहां यज्ञ हवन करवा रहे थे। तभी अचानक उस लड़के का तबीयत बिगड़ गया और मामा जी भांजे को बोले, तुम अंदर आराम करो, यज्ञ कार्य मैं पूर्ण कर लूंगा। मामा भांजा काशी जी में यज्ञ हवन में लगा रहा, तभी अचानक उस लड़के का तबीयत जाने बिगड़ गया। मामा बोले, भांजे को तुम अंदर में आराम करो, यज्ञ कार्य मैं पूर्ण करूंगा, मन में शिव का ध्यान करो। कुछ ही देर में उस लड़के का प्राण आत्मा निकल गया। देखा मामा ने भांजे को, उनका हृदय पिघल गया। शीघ्र हवन कर पूरा उसने संत जनों को विदा किया। फूट फूट कर रोया मामा, शिव शंकर को याद किया। तुम ही रक्षा करो हमारी शिव शंकर भगवान, शिव गौरा के पूजन से ही होता है कल्याण, शिव गौरा के पूजन से ही होता है कल्याण। सावन सोमवार की गाथा सुनो लगा कर ध्यान, सावन सोमवार की गाथा सुनो लगा कर ध्यान। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। और भक्तों, उसी समय संयोग वश माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ उधर से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने भक्त के रोते बिलखते करुण पुकार को सुना तो उनका हृदय पिघल गया और भगवान भोलेनाथ जी से कहने लगी, मृत्यु सैया पड़ा हुआ है, काल चक्र ने मारा है, साहूकार का है यह लड़का, यह भी भक्त तुम्हारा है। जीवन दान इसे तुम दे दो, सुन विनती मेरे स्वामी, दयानिधि तुम कहलाते हो, तुम तो हो अवघड़ दानी। महादेव कहते गौरा से इसका जीवन पूर्ण हुआ, 12 वर्ष थी इसकी आयु, वह अब तो संपूर्ण हुआ। पार्वती के कहने से शिव फिर से जीवन देते हैं, शिव गौरा आनंदित होकर धाम को अपने जाते हैं। महाकाल शिव शंकर जी ने दे दी जीवन दान, शिव गौरा के पूजन से ही होता है कल्याण, शिव गौरा के पूजन से ही होता है कल्याण। सावन सोमवार की गाथा सुनो लगा कर ध्यान, सावन सोमवार की गाथा सुनो लगा कर ध्यान। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भक्तों, भोलेनाथ की अपार कृपा, वह बालक फिर से उसी शहर में वापस आते हैं और यज्ञ हवन करते हैं। इसी बीच राजा ने उसे पहचान लिया और आइए आगे क्या होता है देखते हैं। यज्ञ हवन करते करते वह दोनों वापस आते हैं, वापस आते उसी शहर में शिव की यज्ञ रचाते हैं। इसे देखते ही राजा ने अति शीघ्र पहचान लिया, आदर सहित महल में बुलाया, प्रेम पूर्ण सत्कार किया। राजकुमारी आनंदित हो अपने स्वामी को देखा, महादेव के पूजन से ही बदल गई किस्मत रेखा।
राजकुमारी को राजा ने खुशी खुशी से विदा किया। हाथी घोड़े हीरे मोती सभी साथ में भेज दिया। अपरंपार तुम्हारी लीला करते सब जयगान। शिव गौरा के पूजन से ही होता है कल्याण। शिव गौरा के पूजन से ही होता है कल्याण। सावन सोमवार की गाथा सुनो लगा कर ध्यान। सावन सोमवार की गाथा सुनो लगा कर ध्यान। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। और भक्तजनों, राजा ने राजकुमारी को अपने दामाद के साथ, दास दासियों के साथ, हीरे मोती से भरे खजानों के साथ विदा किया। दोनों मामा भांजे अपने शहर में प्रवेश करते हैं और अपने घर में जाकर मामा अपने जीजा को बताते हैं। मामा जी जब घर में पहुंचे जोर लगा आवाज दिया। प्यारा बेटा आया तेरे जोर जोर से चिल्लाया। और साथ में उसके तेरे बहुरानी भी आई है। स्वागत की अब करो तैयारी, बहुत बड़ी पहुनाई है। जीजा दीदी उतरे छत से, नहीं उसे विश्वास हुआ। मरने को छत पर बैठा था, अब जीने का आश हुआ। साहूकार देखा आंखों से, खुशी के आंसू छलकाए। फूल बिछाते लाया घर तक, ढोल नगाड़े बजवाए। धन्य धन्य शिव शंकर मेरे, तुम ही बचाए प्राण। शिव गौरा के पूजन से ही होता है कल्याण। शिव गौरा के पूजन से ही होता है कल्याण। सावन सोमवार की गाथा सुनो लगा कर ध्यान। सावन सोमवार की गाथा सुनो लगा कर ध्यान। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। शिवाय। भक्तों, कहते हैं कि सावन सोमवार के व्रत को जो भी नर नारी रखता है उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। साधु संत सभी यही कहते हैं। तो आइए सुनते हैं इसकी महत्ता को और फल की प्राप्ति कैसे होती है। सावन सोमवार के व्रत को जो नर नारी रखता है, होते मनोकामना पूरी, साधु संत सब कहता है। शाम सवेरे बेल पत्र जो शिवलिंग में चढ़ाता है, प्रबल पुण्य मिलता है उनको, पाप मुक्त हो जाता है। आंख धतूरा फूल पत्र सब शिव शंकर को प्यारे हैं। श्रद्धा भाव जगाते भोले, करते जग में न्यारे हैं। जिसके मुख में हर हर भोले, शिव का नाम आते हैं। महाकाल रक्षक बन जाते, अकाल मृत्यु टल जाते हैं। देता है परमानंद सबको शिव शंकर भगवान। शिव गौरा के पूजन से ही होता है कल्याण। शिव गौरा के पूजन से ही होता है कल्याण। सावन सोमवार की गाथा सुनो लगा कर ध्यान। सावन सोमवार की गाथा सुनो लगा कर ध्यान। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।